राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग आज अपनी तारीखों का ऐलान कर देगा। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी और बीजेपी ने अपने जो नाम थे, पैनल थे, वह भी तैयार कर लिए गए हैं। तीन तीन नामों के जो पैनल है उस पर प्रदेश का जो नेतृत्व है उन्होंने मुहर लगाई। उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उन्होंने मुहर लगा दी। अगर हम आज सलूम्बर और 84 सीट की बात करें तो सलूम्बर में जो दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा थे उनके बेटे जो अविनाश मीणा है उनका नाम है, जो नरेंद्र मीणा है उनका नाम है और जो दुर्गा प्रसाद मीणा है उनका नाम सलूम्बर से हैं और उसको लेकर पार्टी के जो नेता है आला कमान है उन्होंने उसके नाम पर मुहर लगाई है। वहीं 84 में भी महेंद्रजीत मालविया जिनका नाम इस बार सामने आया है, क्योंकि महेंद्रजीत मालविया जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुशील कटारा जो पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और एक महेंद्र करके हैं उनका नाम भी चर्चा में है। लगातार ऐसे नाम जिन पर मुहर लगी है। अगर हम सलूम्बर में विस्तार से उन कैंडिडेट के नाम पर बात करें तो अविनाश मीणा हैं जो दिवंगत विधायक सलूम्बर जिनके निधन हो गया था, अमृतलाल मीणा उनके बेटे हैं और एक तरफ सहानुभूति का ट्रेंड दिखाने के लिए उनका नाम भी चर्चा में है और जो पार्टी हैं उन्होंने उनके नाम पर भी मुहर लगाई है, क्योंकि मेवाड़ है और मेवाड़ में कहा जाता है कि सहानुभूति चली आई है और भाजपा भी सहानुभूति को लेने के लिए अविनाश मीणा को नाम को आगे रखा है। अगर अविनाश मीणा का नाम नहीं चलता है तो फिर नरेंद्र मीणा हैं जो पहले 2008 के चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का और लगातार उस समय से एक्टिव है, विभिन्न पदों पर हैं। वहीं दुर्गा प्रसाद मीणा जो उस क्षेत्र में अब सेमारी जो पंचायत समिति वहाँ के प्रधान हैं और उस क्षेत्र में जो आदिवासी वोट्स हैं उनको बटोरने के लिए पार्टी उन्हें भी मौका दे सकती है। यानी तीन नाम जो सलूम्बर है उससे सामने आए हैं जो भाजपा में एक्टिव रहे हैं, उनके अमृतलाल मीणा के बेटे हों या फिर जो पहले चुनाव लड़े हों, इस तरह के नाम सलूम्बर से जो पार्टी हैं उन्होंने आलाकमान को भेजे थे, जो नेता थे उन्होंने आलाकमान को भेजे थे और आलाकमान ने तीन नामों पर मुहर लगाई है। उसकी 84 सीट की बात करें तो 84 सीट में जो महेंद्रजीत मालविया है उनका नाम भी उस पैनल में है और महेंद्रजीत मालविया वह महेंद्रजीत मालविया है जो पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और उस कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए और लोकसभा का चुनाव लड़े लेकिन हार गया। अब पार्टी ने 84 में भी उनका नाम रखा है जिससे कि 84 में वह फिर से चुनाव लड़े और पार्टी के लिए काम करे। दूसरी तरफ सुशील कटारा जो पार्टी में पिछले कई सालों से एक्टिव रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ते हैं 84 से और उनका नाम भी उस पैनल में और एक महेंद्र करके हैं उनका नाम भी उस पैनल में है जिससे कि पार्टी मौका दे सके। उपचुनाव पास में आ गए हैं, जो चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करने जा रहा है उससे पहले बीजेपी ने अपने नाम है उस पर मुहर लगा दी है। सलूम्बर और 84 वह सीट है क्योंकि मेवाड़ और वागड़ की सीट है और भाजपा उस गढ़ को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। सलूम्बर का गढ़ है उसको बचाने का प्रयास कर रही है तो जो 84 सीट है उस पर अपना गढ़ बनाने के लिए और जो पहले जो बाप पार्टी का गढ़ है उसको ढहाने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पर मुहर लग गई है। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा उसके बाद जो नाम है वह भी सामने आ जाएंगे और जिस तरह से जो पैनल बनाएंगे उस पैनल में सर्वे के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी कम हो उसके आधार पर जो टिकट है वह वितरण किए जाएंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।